नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की लोकतांत्रिक राजनीति एक के नाम से जो आपकी बुक से, उसी को देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें अभी तक हम लोग 4 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं, ये आपका 5वां चैप्टर है। इसमें बात करेंगे लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में, जो आपने पुराने, इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर आप ये खत्म कर चुके हैं, उन्हें भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये बुक्स बहुत ही जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है एनसीईआरटी जो बुक्स हैं वो एक पर्टिकुलर, मतलब कक्षा 9वीं या फिर कोई तैयारी कर रहा है सिविल सर्विस की, उन्हीं के लिए जरूरी नहीं है। ये जो भी भारत में रहता है, इंडियन है, उसके लिए भी ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझाया गया है, बहुत कुछ जानकारी दी गई है। ठीक है, तो उन 4 चैप्टर को भी देख लीजिए। तो चलिए इसकी देखते हैं भूमिका। पिछले 2 अध्यायों में हमने लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तथ्यों की चर्चा की है। अध्याय 3 में हमने देखा है कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। अध्याय 4 में हमने देख जाना कि लोकतंत्र में कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती है। ये तत्व जरूरी है, पर लोकतंत्र के लिए इन्हें 2 का होना पर्याप्त नहीं है। चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व है अधिकारों का उपयोग। इसकी मौजूदगी में भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है। बहुत सही ढंग से चुने हुए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी यह जरूर जानना चाहिए कि उन्हें कुछ लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना है। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं। इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा। इसकी कल्पना करें, करने के लिए हम वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं से की बात से बात शुरू करते हैं। इसमें हम इस चर्चा पर पहुंचेंगे कि अधिकारों का क्या मतलब है और हमें इनकी जरूरत क्यों है। पिछले अध्यायों की तरह पहले सामान्य बातों और फिर भारत पर केंद्रित चर्चा होगी। हम एक एक करके भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है, इनकी रक्षा कौन करेगा, इनको लागू कौन करेगा। आखिर में हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार करने में इन अधिकारों की कैसी भूमिका हो सकती है। हाल के वर्षों में हमारे मुल्क में इन्होंने क्या भूमिका निभाई है। यहाँ हम आपको बता दें कि अगर मेरा मानना है, जिस तरह से वहां कोई भी शादी होती है, वहां पंडित जी मंत्र देते हैं, मैं तो कहता हूं कि जब हमारा जन्म हो उसके 5 से 7 साल बाद, जब हम समझदार हो जाए, बच्चे जो भी बच्चा हो, उसके माँ बाप को उन्हें मूल कर्तव्य और दूसरे मूल अधिकार की पूरी पढ़ाई पढ़ाना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि आपका मूल कर्तव्य क्या है, कौन कौन से अधिकार हैं आपके। मुझे लगता है अगर इन 2 पॉइंटों पर फोकस दे दिया गया तो आधे इंडिया की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। पहला हमारा मूल कर्तव्य, दूसरा मौलिक अधिकार। चलते हैं हम लोग आगे। अधिकारों के बिना जीवन कैसे, इन किताबों में हमने अधिकारों की चर्चा बार बार की है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इससे पहले के सभी 4 अध्यायों में अधिकारों की बात की है। क्या आप नीचे दिए गए खाली स्थानों को पुराने अध्याय के अधिकारों वाली चर्चा के आधार पर भर सकते हैं? अध्याय 1 लोकतंत्र की परिभाषा में, हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा, जैसे कि भारत के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मतदान को बोलने का अधिकार प्राप्त है। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो हर
हर नागरिक को उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। ठीक है, आइए तीन उदाहरणों से बात शुरू करके अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है। गुआंता नावो नामो बे का जेल, अजीब नाम है इसके। पहले सब लोग ये क्या है, प्रिय श्री टोनी ब्लेयर, सबसे पहले तो यही है कि आप कैसे हैं। मैंने 2 साल पहले आपको पत्र लिखा था, आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया। मैं बहुत दिनों तक आपके जवाब का इंतजार करता रहा, आपका जवाब आया ही नहीं। क्या आप मेहरबानी करके मेरे सवाल का जवाब देंगे, मेरे पिता जेल में क्यों बंद हैं, वे दूर दराज के ग्वांता नामो बे में क्यों रखे गए हैं। मुझे अपने पिता की कमी बहुत खलती है, मैंने अपने पिता को 3 वर्षों से नहीं देखा है। मैं जानता हूं कि मेरे पिता जी ने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि वे बहुत अच्छे आदमी हैं। लोग भी मेरे पिताजी के बारे में बहुत आदर से बात करते हैं। आपके बच्चे आपके साथ क्रिसमस मनाते हैं, पर मैंने मेरे भाई और बहनों ने पिछले 3 वर्षों से पिताजी के साथ के बिना ही ईद मनाई है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस बार आप मेरे पक्ष का जवाब देंगे। अनस जमिल अन बनना उमनोसा, ये कोई बच्चा पत्र लिखता है। अमेरिका में फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों को ग्वांता नामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया गया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। अमेरिकी सरकार कहती कि लोग अमेरिका के दुश्मन हैं, और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है। पता है, 11 सितंबर 2001 के पहले तक अमेरिका कहता था कि आतंकी जो आतंकवाद होते हैं, इस तरह के आतंकवाद होता ही नहीं है। आतंकवाद को वो एक्सेप्ट ही नहीं करता था अमेरिका। जब खुद पर बीती उसके बाद हलचल हुई थोड़ी, समझ में। 2001 से पहले मजाक लगता था उसे। अभी भी आपने देखा होगा कि जब किसी और की समस्या होती है तो हमें मजाक लगती है, लेकिन उसी समस्या जब हमारे ऊपर आती है, उसी समस्या से हम जब जूझते हैं, तब हमें पता चलता है कि अच्छा, ये भी समस्या है। आगे चलते हैं। अनस के पिता जमील अल बन्ना उन 600 लोगों में से एक हैं जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबार के माध्यम से खबर मिली कि उसे भी जेल में रखा गया। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया कि वे जेल में डालना है कि नहीं। ना तो किसी जज के सामने मुकदमा चला, ना ही कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाजा खटखटा सके। एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ग्वांता नामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादा की जा रही है। उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। जिन कैदियों को अधिकारियों के आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था, उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि ग्वांता नामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब में नागरिक अधिकार ग्वांता नामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आइए अब सऊदी अरब का एक उदाहरण देखें। वहां की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आजादी देती है, इस पर गौर करें। जरा इन तथ्यों पर विचार करें। देश में एक वंश का शासन चलता है,
वह राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। जिस तरह से हमारे यहाँ आपका वोट देते हैं और प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, ठीक है, इस तरह उस देश में बिल्कुल भी नहीं है। वह राजा जो है वहाँ का राष्ट्र प्रमुख है, उसे जनता को ना तो चुनने का अधिकार है ना ही हटाने का। शाह की विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं, जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। यानी कि सऊदी अरब का राजा ही प्रमुख है, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसी का फैसला मानना। जिस तरह से हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, उसी तरह उनके यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरह राजा है। लोग कोई भी कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती है। कोई धार्मिक आजादी नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनकी सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी हैं। मर्दों को जल्द ही स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में जब आजादी मिली तभी से आपके यहाँ महिलाओं को पुरुषों को एक साथ अधिकार दे दिया गया था, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है हमारे यहाँ। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती, दुनिया में एक ऐसे अनेक देश हैं जहाँ ऐसी स्थितियां मौजूद हैं। कोसोवो में जातीय नरसंहार, आप यह सोच सकते हैं कि ये चीजें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती हैं, चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। पर कोसोवो की इस कथा पर गौर कीजिए। कोसोवो पुराने युगो सिलाबिया का एक प्रांत था जो अब टूट कर अलग हो गया है। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी और पूरे देश के लिहाज के सर्व लोग बहुसंख्यक थे। उग्र सर्व राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक ने यहाँ के चुनाव में जीत हासिल की। उनकी सरकार ने कोसोवो की अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। उनकी इच्छा थी कि देश पर सब लोगों का ही पूरा नियंत्रण हो। अनेक सर्व नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोगों जैसे कि अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या फिर सर्वों का प्रभुत्व स्वीकार कर लें। कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई। 74 वर्षीय बतीसा होक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इजेद के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोट की आवाज सुनी पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई। तभी उनका दरवाजा खोलकर 5-6 सैनिक दनदनाते हुए अंदर आए। वो पूछा, बच्चे कहाँ है? बत्तीसा याद करती है कि इन्होंने इजेद की छाती में 3 गोलियां दाग दी। उसके सामने ही उसके पति की मौत हो गई। और सैनिकों ने उनकी अंगुली से शादी की अंगूठी उतार ली। उसे बाहर जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। वह बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उसके पास ना मकान था, ना पति और ना ही शरीर पर पहनने कपड़ों के अलावा कोई और चीज। समाचारों में आई यह कथा उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक की सच्चाई बताती है। और याद रखिए कि यह नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था। जातीय पूर्वाग्रहों के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए हैं उनमें यह संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया तब जाकर यह क्रम थमा। मिलोसेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चलाया गया। बात करते हैं हम लोग लोकतंत्र में अधिकार।
ये कहानी ऊपर जो भी बताई गई है इनको समझने का मेन उद्देश्य यहां से आएगा, ठीक है? आप समझ में आएंगी वो किस कारण आपको वो कहानी सुनाई जा रही है। आखिर हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया है उन सब पर विचार किए, हर उदाहरण में जिसे कष्ट हुआ है उसके बारे में सोचिए। ग्वांतानामो बे के कैदियों, सऊदी अरब की औरतों और कोसोवो के अल्बानियाई लोगों और भारत में 1984 और 2002 के दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते? अगर आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार हो तो आप उपयुक्त घटनाओं को ना होने देने के लिए क्या करेंगे? शायद आप एक ऐसा व्यवस्था चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल रखा और समान अक्सर अवसर जरूर हो। जैसे आप यह चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी को भी गिरफ्तार ना किया जाए, और अगर किसी को गिरफ्तार किया जाए तो उसे अपना पक्ष रखने, अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिले। आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीजों पर लागू नहीं हो सकता है। हम या किसी से जिन चीजों की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं उसमें हमें तार्किक नजरिया अपनाना चाहिए, क्योंकि उसे ये चीजें सबको उपलब्ध करानी है। पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागजों में ही ना रहे, उन पर अमल भी हो, और जो लोग ऐसा ना करें उनको सजा भी मिलेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक ऐसा व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहां हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होना होगी। अमीर या गरीब, ताकतवर या कमजोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीजों की गारंटी होगी। अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना होती है, मतलब आपसे कि कहीं कोई गरीब है, अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है, ताकतवर है या कमजोर है, किसी से कोई भेदभाव ना किया जाए, यही सबकी इच्छा रहती है। अब अधिकार क्या है आखिर, जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं अधिकार के बारे में, ये आखिर है क्या? अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। हम सभी खुशी से बिना डर भय के अमीर के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकार तभी संभव है जब आपका मन आपका अपने बारे में क्या हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो। आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते हैं जो दूसरों को कष्ट दे या नुकसान पहुंचाए। आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं कि पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट जाए और आपके अधिकार को कुछ ना हो। युगोस्लाविया के सर्व लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे। हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि हर किसी की समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो। इस प्रकार हम कोई भी अधिकार का इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करते हैं। हमारे मूल अधिकारी का मतलब ये हो सकता है सीधी बात कि बोलने का आपको अधिकार है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे के सिर पर चलना जाकर चिल्लाने लग जाए। जहां दूसरे के अधिकारों को हानि पहुंचती है या दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण होता है वहां आपके अधिकार खत्म हो जाते हैं, हमेशा याद रखिए। अब आपको बोलने का, संगठन धरना देने का सबका अधिकार है, तो इसमें दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण ना हो तब तक आपके अधिकार सही है। जैसे ही दूसरे को नुकसान पहुंचता है आपके अधिकार खत्म हो जाते हैं, आप अपने अधिकार से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। तो अपने अधिकार के साथ साथ दूसरे के अधिकार भी रखिए। अब कहीं आप पब्लिक प्लेस में जाकर गाली देने लगी है, बोलिए कि हमारा तो अधिकार है, बोलने का अधिकार है। जब तक दूसरे को उससे प्रॉब्लम नहीं होती है तब तक आपके अधिकार ठीक है,
जैसे ही प्रॉब्लम होती है, आप अपने अधिकार के दायरे से आगे निकल रहे होते हैं। कुछ दावे कर दें सिर्फ इतने बार से वह हमारा अधिकार नहीं हो सकता जाता। इसे उस पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। एक कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। समाज जिस चीज को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। इसलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। 200 साल पहले अगर कोई कहता कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता। आज सऊदी अरब में उनको वोट का अधिकार ना होना भी ही अजीब लगता है। जब समाज में मान कायदों को लिखत पढ़त में ला दिया जाता है तो उनकी असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना भी प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। ग्वांतानामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते हैं जो इन्हें लागू करा दे। जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उनको लागू किया जा सकता है, फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते हैं, इनका उल्लंघन करते हैं, तो हम इसे अपने अधिकारों का हनन करते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। इसलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें ये तीन बुनियादी चीजें होनी चाहिए। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, उन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। अब आपने सुना होगा कि जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत और 226 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत आप उच्चतम न्यायालय में, आर्टिकल 226 यानी कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। बात करते हैं लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आजादी का होना चाहिए। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी ना करें। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी, जैसे अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहें तो स्थिति बिगड़ सकती है। यह स्थिति आमतौर पर अब पर तब आती है जो बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए, लोगों पर विरोध कायम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती ही या संभव है वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ना करे। इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की जरूरत है, ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में दर्ज होते हैं। आपने सुना होगा आर्टिकल 20 और 21, इन्हें कभी निलंबित नहीं किया जाता है, ठीक है। आपके जीने का अधिकार, इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है, फिर आपातकाल लगी या कुछ भी हो। आप समझिए एक बात, जैसे आपके गांव में दो कास्ट जाति, तो आप हैं अल्पसंख्यक में और वो हैं बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब ले लीजिए कि आपकी जो जाति उसकी संख्या कम है और जो दूसरी जाति है उसकी संख्या अधिक है। तो ऐसा हो सकता है कि उसका सरपंच हो, सबसे छोटी स्थिति ले लीजिए, सरपंच है
उनका सरपंच चुन लिया जाता है, क्योंकि वो लोग ज्यादा है ना, तो उन्हीं का सरपंच बनेगा। अब वो सरपंच बन के आपके अधिकारों का, आपको गाली गलौज करते हैं, आपको मारपीट करते हैं, आपके साथ उत्पीड़न करते हैं आपका, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अगर मान लीजिए अधिकार आपके पास ना कोर्ट है, ना कहीं जाने का कुछ भी माध्यम ना हो, ना कोई संस्था हो आपके अधिकारों का रोकने के लिए, अधिकारों के हनन की रोकने के लिए, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, बैठ जाओगे साथ। है लोकतंत्र आपके यहाँ, लेकिन फिर भी आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें अपने अधिकार जरूरी होते हैं, लोकतंत्र हो फिर चाहे कुछ भी हो। बात करते हैं भारतीय संविधान में अधिकार, भारतीय संविधान में जो आपको अधिकार दिए गए उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज है। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है, इन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है। जो हमें अधिकार मिले हुए हैं इन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है। अध्याय 3-3 में हमने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। यह सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय दिलाने की बात करता। मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यवहारिक रूप देते हैं। ये अधिकार भारत के संविधान को एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता। आप जानते हैं कि हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्या आप इन्हें बता सकते हैं? एक आम नागरिक के लिए इन अधिकारों का ठीक ठीक क्या मतलब होता है? आइए एक एक करके इन पर देखते हैं। क्या था कि इससे पहले हमारे 1978 से पहले हमारे यहाँ 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। संपत्ति का मौलिक अधिकार भी था आपका, लेकिन 78वें संविधान संशोधन 1978, सॉरी, तो याद रखना 1978 में आपके संपत्ति का जो अधिकार था इसे हटा दिया गया था। उसके बाद आपके 6 अधिकार बचे। तो कहीं पूछ लेता है तो 44वें संविधान संशोधन ये हुआ था 1978 में, इसके द्वारा आपका जो संपत्ति का अधिकार था उसे मूल अधिकारों से हटा दिया गया था, ठीक है, याद रखना। और अनुच्छेद 300A में इसे जोड़ दिया था एक कानूनी अथॉरिटी के अलावा, कानूनी रूप में जोड़ दिया गया, ठीक है, याद रखना। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। बात करते हैं हम लोग समानता का अधिकार। हमारा संविधान कहता है कि सरकार हमारे किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या फिर अधिकार से समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। यह मतलब समझ रहे आप? हमारा संविधान कहता है, जो हमारी संविधान है वो कहता है सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता और कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती, उसे समानता यानी कि असमानता में नहीं ढकेल सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा, पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। यानी कि इस तरह से कह लीजिए, आप गरीब हो फिर चाहे आप लोग अमीर हो, चाहे बड़े हो फिर चाहे आप लोग छोटे हो, आप ताकतवर हो या फिर चाहे आप लोग कमजोर हो, आप पर सभी पर कानून समान रूप से लागू होगा, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ में? और याद रखिए जो आपका समता या समानता का अधिकार है ये आपके अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है, इसी में सभी वर्णन किए गए हैं आपके। इसे कानून का राज भी कहते हैं। समानता के अधिकार को आप लोग क्या कहते हैं? कानून का राज। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियादी है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी भी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री हो या फिर दूर दराज के गांव का कोई खेतिहर, मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर
विशेष अधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता है। जैसे कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित किया था, लेकिन जब तक मामला चला उन्हें किसी अन्य नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ा, अपने पक्ष में सबूत देने पड़े, कागजात दाखिल करने पड़े। इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार के कुछ नीतिहार निहितार्थों को स्पष्ट करके और साफ किया है। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। याद रखना, धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। दुकान, होटल और सिनेमाघरों जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता है। इसी प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। ये चीजें ऊपर से बहुत सरल लगती हैं, पर जाति व्यवस्था हमारे वाले हमारे समाज में कुछ समुदाय के लोगों को सार्वजनिक सुविधाएं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। इसीलिए आपका 1955 का जो एक्ट आया, मानवाधिकार अधिनियम, इसीलिए लिया गया। फिर उसमें 1976 में आपका संशोधन किया गया, उसके बाद 1993 में दूसरा आया आपका, इसी को हटाने के लिए, क्योंकि संविधान तो हमारा लिख गया 1949-50 में लागू हुआ, लेकिन फिर भी असमानता खत्म नहीं हुई। आप देखते हैं गांव की तरफ अभी भी नीच ऊंच का भावनाएं लोगों के मन में बैठी हुई है। तो इन्हीं को हटाने के लिए समय समय पर बदलाव किए जाते हैं और कड़े कानून लाए जाते हैं, वरना हमारे संविधान ने तो छुआछूत इस तरह के जो भी सिस्टम है उन्हें 1950 में ही खत्म कर दिया। मानता उनकी खत्म सब, लेकिन फिर भी हमारे जो पुराना समाज है, बदलने में बहुत टाइम लगता है किसी भी समाज को। सरकारी नौकरियों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। सरकार में किसी पद पर नियुक्त या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। उपयुक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के आरोप नहीं करार दिया जा सकता है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। अनेक सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की को प्राथमिकता देती है। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है। समानता का मतलब है कि हर किसी से उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है कि हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने पर के लिए भी कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। आरक्षण यही करता है। इसी बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। आप एक बात सोच लीजिए, अगर आप भी किसी VIP स्कूल में पढ़ते हैं और जो ST जनजाति है वो भी आपके VIP स्कूल में पढ़ता होता, तो फिर संविधान की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो आपको सुविधाएं जन्म से मिल रही हैं उसे भी मिल रही हैं, फिर संविधान की जरूरत पड़ती है। अगर 1950 में हमारा संविधान जब लागू हुआ, अगर उसी समय सब कुछ खत्म होकर बराबरी में सबको खड़ा कर दिया जाता, यानी कि सबके पास बराबर संपत्ति रख दी जाती है, तो उसके बाद किसी को कोई आरक्षण की व्यवस्था ही नहीं करनी पड़ती। लेकिन कोई छोटा रह गया, कोई तबके में जैसे महिलाओं को इसलिए दी जाती है कि आरक्षण, क्योंकि वो पिछड़ गई, ST/ST सीट है, ठीक है। मेरा मानना है, देखिए पर्सनल, कि आर्थिक और पिछड़ेपन पर, आर्थिक और शिक्षण के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि आपने देखा है कई सामान्य लोगों में भी गरीबी है। कई ST/ST वाले या OBC वाले की स्थिति सुधर चुकी है, तो उन्हें रोक दिया जाए आरक्षण और उन्हें दे दिया जाए
जो इससे बचे थे या जो पिछड़े हुए हैं। ठीक, इसीलिए तो आप बोलते हैं कि मौलिक कर्तव्य से अगर आप परिचित हैं तो आप खुद छोड़ दोगे, जैसे आप सबसे जुड़े तो आप खुद छोड़ दोगे कि हमें आरक्षण की कोई जरूरत नहीं। तो इसीलिए तो मौलिक अधिकार लागू किए गए आपके संविधान में, जुड़े गए कि कुछ आप भी अपनी तरफ से कुछ करें। मौलिक अधिकार ये समानता हो गया, स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलते हम लोग आगे। छुआछूत के अनेक रूप। 1999 में प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेख माला लिखी। वे देश के अनेक स्थानों पर गए और पाया कि अनेक स्थानों पर चाय की दुकानों पर दो तरह के कप रखे जाते हैं, एक दलित के लिए, दूसरा बाकी लोगों के लिए। हजाम दलितों के बाल नहीं काटते हैं, दाढ़ी नहीं बनाते, दलित छात्रों को कक्षा में अलग बैठना होता है और अलग रखे घड़े से पानी पीना होता है। दलित दूल्हों को बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, दलितों को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं लेने दिया जाता है, उनके पानी भर लेने के बाद हैंडपंप को धो दिया जाता है। ये सभी काम छुआछूत की परिभाषा के दायरे में आते हैं। क्या आप अपने इलाके से कुछ ऐसी उदाहरण सोच सकते हैं? याद रखिए, जब तक एक खाई हम लोगों के बीच है, दलित हमारे बीच, ओबीसी सामान्य के बीच, जो भी इस तरह की खाई है, तब तक आप विरोध भी नहीं कर सकते हैं। किस तरह से, किस मुंह से हम विरोध करें, आप ही सोचिए। एक तो हम लोगों को बराबर में लाकर खड़ा कर दें हम लोग उन्हें, उसके बाद हम विरोध करें, इसका अच्छी बात है कि हटाया जाए, लेकिन तब तक कहाँ। अब आप सोचिए कि जहाँ चाय की दुकान पर चाय पीने जा रहे हो तो वहां भी दो तरह के कप हो, ये कहाँ की व्यवस्था है। उन्हें कप को हटा दीजिए, एक ही, आप भी उसी कप से चाय पीजिए और वो भी उसी कप से चाय पिए, तब आप विरोध कर सकते हैं आरक्षण का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। किसी तरह का भेदभाव ना होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर इसी तरह लागू होता है। संवैधानिक सामाजिक भेदभाव के एक बहुत ही प्रबल रूप से छुआछूत का जिक्र करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वह ऐसे इसे समाप्त करे। किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है, या उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति के जन्म में जन्म लेने पर भर से लोगों को नीची नजर से देखा जाता है या उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया। ये आरक्षण ऐसा शब्द है कि इस पर कितनी भी बहस की जा सकती है, लेकिन आपको याद रखना है हमेशा, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है हमेशा, ठीक है, और आपको नकारात्मक नहीं घुस जाना है कि आप उनकी बुराई बुराई करने लगे, तो आपको बहुत सोच समझ के आंसर लिखना है। और जो है बाकी लोग उनको करते रहने दीजिए, आरक्षण बुरा है या सही है, आप अपना बैलेंस बनाइए, आपको क्योंकि परीक्षा पास करनी है। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब है बाधाओं का ना होना। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है कि हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल ना होना हो, ना सरकार का ना व्यक्तियों का। ये स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है, ठीक है, याद रखिए। समाज में रहना चाहते हैं लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं, हम मनमाने ढंग से काम करना चाहते हैं, कोई हमें आदेश ना दे कि ऐसे ऐसे करो वैसे करो। इसलिए भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रता दी हुई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण से जमा होने की स्वतंत्रता यानी कि एक जगह मीटिंग करने की स्वतंत्रता, लेकिन शांतिपूर्ण से। याद रखिए, मौलिक अधिकार आपके तब तक बने रह सकते हैं जब तक दूसरे का
नुकसान ना हो, यानी कि दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण ना हो। जैसे ही सामने वाले के किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण आपके मूल अधिकारों से होता है, आपके अधिकार खत्म हो जाएंगे, याद रखिए। अब यहाँ बोलने का अधिकार हो, चाहे शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार है, वो संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब आप कहिए कि संगठन या संघ बनाने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। अब आतंकवादी संगठन बना दीजिए, या क्या कोई ऐसा उग्र संगठन बना लीजिए जो दूसरों को मारता हो, काटता हो, तो यहाँ आपका मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा, याद रखिए। देश में कहीं भी जाने आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी विभाग में रहने बसने की स्वतंत्रता, कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पैसा पैसा करने की स्वतंत्रता, याद रखिए कि हर नागरिक को यह स्वतंत्रताएं प्राप्त है। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते हैं जिससे दूसरों की स्वतंत्रता का हनन हो। आपको स्वतंत्रता, आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती। आप यह सब करने के लिए आजाद हैं जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस या पालना नहीं है। इसी कारण समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म की पाबंदियां लगा सकती है। अभिव्यक्ति की आजादी हमारे लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता है। अभिव्यक्ति की आजादी बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। आपकी राय में दूसरों से अलग हो सकती है। संभव है कि कई लोग 100 लोग एक ही तरह से सोचते हैं, आप भी आपके अलग राय रखते हैं, तो व्यक्त करने की आजादी है। आप सरकार की किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं। अपने माँ बाप, दोस्तों या रिश्तेदारों से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना करने को स्वतंत्र हैं। आप अपने विचारों को पर्चा छाप कर या अखबारों पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप यह काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं, पर आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। वे यह सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं, पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इससे सार्वजनिक अव्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं, किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं, जैसे आप लोग छात्र हैं तो एक साथ छात्र संगठन भी बना सकते हैं, किसान है तो किसान अपना छात्र संगठन बना सकते हैं, महिलाएं हैं तो महिलाएं भी अपना एक संगठन बना सकती हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रहे और बस सकते हैं। जैसे कि असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है, संभव है कि उसने इस शहर को देखा भी ना हो या यहाँ उसका कोई संपर्क ना हो, फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण संविधान कहता है उसे ऐसा करने का अधिकार संविधान हमारा देता है। इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गांव से निकलकर शहरों और देश के गरीब इलाकों से निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर काम करते हैं, बस जाते हैं। पैसा चुनने के मामले में भी ऐसी ही स्वतंत्रता प्राप्त है। आपको कोई भी आदेश नहीं दे सकता है कि आप सिर्फ यह काम करें या वह है। महिलाओं से यह नहीं कहा जा सकता है कि फलान काम करने के लिए नहीं है,
पिछड़ी और कमजोर जातियों को कि लोगों से नहीं कहा जा सकता है कि वे अपने परंपरागत पेशे में ही रहें। संविधान कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्था को छोड़कर इसका मतलब यह है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती, उसे मारा नहीं जा सकता। इसका यह भी मतलब है कि कानूनी अधिकार होने का ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होता है। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होगी। सीधा सा मतलब ये है आपका यहाँ कि कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट आपको मौत की सजा सुनाता है तो तभी मौत की सजा दी जाएगी, वरना आपको ना तो किसी सरकार ना ही किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो आपको किसी की मौत कर सके, किसी को मारे। और रही गिरफ्तारी की, तो पुलिस को भी अधिकार है गिरफ्तार करने का, लेकिन उसे इसका कारण बताना होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार कर रहा है वो। ठीक है, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर प्रस्तुत करना होगा। यानी कि मतलब ये होता है कि हमें अभी गिरफ्तार करता है कोई, तो 24 अभी से जोड़ लीजिए, 24 घंटों के अंदर हमें किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। यानी कि मुझे वकील रखने का अधिकार होगा, उसे विचार विमर्श करने का भी अधिकार होगा। आइए एक बार फिर से ग्वांता नामो बे कुसोवो को याद करें। इन दोनों ही मामलों में शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रताओं में सबसे बुनियादी दो चीजों, जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया। क्या ये उदाहरण स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है? अगर हाँ तो प्रत्येक में संविधान को कि कौन से प्रावधान का उल्लंघन हुआ? भारत सरकार ने सलमान रुश्दी की किताब सेनेट सैटेनिक वर्सेस को इस आधार पर प्रतिबंध कर दिया कि इसने पैगंबर मोहम्मद के प्रति अनादर का भाव दिखाया, इससे मुसलमानों की भावना को ठेस पहुंच सकती है। मैंने बोला था आपसे कि हमारे अधिकार तभी तक बने रह सकते हैं जब तक कि दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो। तो इसमें देखिए, इस पुस्तक में क्या हुआ, हमें बोलने का लिखने का आर्टिकल 19 के तहत हमें इस तरह के बोलने का लिखने का चित्त बनाकर अपनी अभिव्यक्ति का आजादी है, लेकिन उस अभिव्यक्ति से ऐसा नहीं कि दूसरे को आप एक न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए उसमें गाली दूसरी जाति के खिलाफ लिख दीजिए, तो ये तो गलत हुआ ना। इसके आधार पर आपके अधिकारों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। हर फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन से पूर्व भारत सरकार के सेंसर बोर्ड के से प्रमाण पत्र लेना होता है, पर वही कहानी अगर किताब या पत्रिका में छपे तो उस पर ऐसी पाबंदी नहीं है। आपने देखा होगा कई बार मूवी आती है तो उससे बवाल होने लगता है, एक जाति को लेकर, पद्मावती को ले लीजिए आप ही पृथ्वीराज आ रही है उसको भी लेकर चल रहा था। ठीक है, सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कुछ खास औद्योगिक क्षेत्रों या फिर अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में काम करने वालों को यूनियन बनाने और हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं होगा। नगर प्रशासन ने माध्यमिक परीक्षाओं के मद्देनजर शहर में रात 10 बजे के बाद सार्वजनिक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। समझ में आया? अब बात करते हैं हम लोग शोषण के खिलाफ अधिकार। स्वतंत्रता हमने देख ली, समानता देखा था पहले, उसके बाद स्वतंत्रता, अब पहुंचते हैं हम लोग शोषण के विरोध खिलाफ अधिकार। स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक ही कि नागरिक को यह अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषण ना कर सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का शोषण ना हो सके। तो याद रखना, जो हमारा समता या समानता का अधिकार था उसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 थे, 14 से 18 थे। जो स्वतंत्रता का अधिकार था उसमें 19, 20, 21, 22 थे। और जो हमारा शोषण के विरोध अधिकार है इसमें आर्टिकल आपका यानी कि अनुच्छेद 23 और 24 है। याद रखना, शोषण के खिलाफ अधिकार कौन कौन से हैं,
अधिकार में अनुच्छेद आपका 23 शामिल है 24वीं। संविधान ने खास तौर से तीन बुराइयों का जिक्र किया है और इन्हें गैर कानूनी घोषित किया है। पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनकी अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करता है, यानी कि नहीं रोकता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़ी से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। तीसरा, संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। किसी कारखाने या खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करा सकता है। इसी के आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दिया सलाई बनाने, पेंटिंग और रंग रोहन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने के लिए शामिल है। इन खबरों के आधार पर संपादक के नाम का ये लंबा पत्र शोषण के खिलाफ पढ़ लीजिए। मद्रास हाईकोर्ट ने एक अर्जी दायर करने वाले ने कहा कि सालेम जिले के गांव में 7 से 12 वर्ष की उम्र के अनेक बच्चों को लेकर जाकर केरल के त्रिचूर जिले के उलूर में बेचा गया। आवेदनकर्ता ने अदालत से मांग की कि वह सरकार की इस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कराने का आदेश दें। कर्नाटक के होमपेट मंडूर इलाके में लूह एस खदानों में 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों से काम कराया जा रहा है। बच्चों ने खुदाई, वस्क तोड़ने, लादने, उगराने, ढुलाई और कटाई का काम लिया जा रहा है। उनको ना तो सुरक्षा के उपकरण दिए जाते हैं, ना ही तय मजदूरी, ना ही उनके काम का समय तय। वे बहुत ही जहरीली कचरे को ढोते हैं और खदान की धूल जो मानक स्तर से काफी अधिक है भी उनके आंख, कान, नाक में जाते रहती है। इस इलाके में स्कूल की पढ़ाई के बीच छोड़ने की दर काफी ऊंची है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण में पाया गया ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लड़कियों के से काम कराने का क्रम बढ़ता जा रहा है और अब ज्यादातर बच्चियों से काम कराया जा रहा है। सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि पहले यहाँ 30,000 कामगारों में बच्चियों की संख्या 34 थी, वहीं अब 41 हो गए। लड़कों की संख्या का अनुपात 31 बना हुआ है। एक बात हमेशा याद रखिए, अब आपको भी अधिकार है कि आप कहीं इस तरह के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को देखते हैं उनका शोषण होते हुए, तो आप भी उनके तरफ से कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक, उनकी लड़ाई आप भी लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तीन अधिकार आपके हो गए, समानता, स्वतंत्रता, शोषण। अब ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक। स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर से चौकस थे। उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्ज किया। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। विश्व के अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। धर्म निरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को ही देखना है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं। धर्म निरपेक्ष का शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती। भारतीय धर्म निरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का संभाव रखना शामिल है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निष्पक्ष होना चाहिए। हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने, उसका प्रचार करने का अधिकार है। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाजों का प्रबंधन करने की आजादी है, पर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अधिकार का मतलब किसी को साझा देकर, फरेब करके, लालच देकर उससे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आजादी है,
अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण करने का यह अर्थ भी नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। जैसा कोई आदमी देवता या कथित आदर्श शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता है। औरतों को कमतर मानने या औरतों की आज़ादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों का आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई जबरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता है, उसे सिर्फ सफेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। यानी कि सीधी सी बात आप ये कह लीजिए कि आप किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, अगर वो आपके धर्म में शामिल होना चाहता है तो हो सकते हैं। ठीक। धर्म निरपेक्ष शासन का मतलब किसी धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेष अधिकार देना भी नहीं है। यानी कि ये नहीं है कि आपके यहाँ भारत में हिंदू अधिक है या फिर मुसलमान अधिक है तो किसी एक धर्म का सरकार हमारा पक्ष ले, ऐसा नहीं है। धर्म उतना ही हिंदू बराबर है उसके लिए, सरकार के लिए उतना ही मुस्लिम, सभी जाति धर्म। ना ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या फिर उसके रखरखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। अगर किसी शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन कोई निजी संस्था करती है तो वहां के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। एक बात और यहाँ आप लोग यहाँ ध्यान से रखिए कि इन्हें आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए दिमाग लगाकर। आगे आपका जब हम लोग आगे की क्लास में पहुंचेंगे तो वहां इन्हें डिटेल के साथ पढ़ेंगे, अनुच्छेद बाई अनुच्छेद, उसमें देखेंगे कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अधिकार, अगला अधिकार है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये आपका अनुच्छेद इसमें शामिल है आपका 29 और 30। आप हैरान हो सकते हैं कि हमारा संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकार को की लिखित गारंटी को लेकर इतने सचेत क्यों है। बहुसंख्यक के लिए ऐसी कोई गारंटी क्यों नहीं है? इसका सीधा सा कारण है कि लोकतंत्र की एक कार्यपद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज्यादा ताकत दे देती है। अल्पसंख्यकों को ही कोई भाषा, संस्कृति, धर्म विशेष के संरक्षण की जरूरत होती है, अन्यथा वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव में पिछड़ते चले जाएंगे। इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति के को बचाने का अधिकार है। किसी भी सरकार या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने चलाने का अधिकार है। यानी कि यहाँ कर सकते हैं आप लोग कि आप अपना स्कूल खोल सकते हैं, अपनी संस्कृति है जो धर्म है मान्यता है उन्हें आप सुरक्षित रख सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, सरकारी स्कूल यानी कि जो सरकार के द्वारा अनुदान दिए जा रहे हैं उसमें सभी जाति के लोग, सभी जाति के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि उसमें प्रवेश ले सकते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी संपत्ति से यानी कि आप अपने पैसे से एक स्कूल खोलते हैं तो उसमें आप किसी जाति विशेष को रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें मान्यता सरकार से नहीं मिलेगी, ना ही पैसा मिलेगा आपको, याद रखिए। जैसे आप लोग मदरसे ले लीजिए, इसमें कहाँ सरकार रोकती है, तुम अपने पैसे से पढ़ा रहे हो। लेकिन सरकार अगर मदरसों को पैसे देने लगे और मान्यता दे दे तब आपको हिंदुओं को भी, सिखों को भी, जैनों को भी इसमें एडमिशन देना होगा। यह अल्पसंख्यक का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक पर भर नहीं है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों का
बहुमत होगा, वहां अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों का बहुमत है, पर कर्नाटक में अल्पसंख्यक हैं ये लोग। पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं, पर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में भी अल्पसंख्यक हैं। ठीक, हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं, हम बात करते हैं। यह भी अधिकार गारंटी की तरह है, जहाँ भी ये हमारे किसी काम के नहीं हैं, तब भी ये हमारे किसी काम के नहीं हैं अगर इन गारंटियों को मानने और लागू करने वाला ना हो। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हम उपयुक्त अधिकारों को लागू कराने की मांग करने का अधिकार है, हमारे पास उन्हें लागू कराने के उपाय हैं। इन्हें से संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचार का अधिकार। यानी कि इसी आर्टिकल के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि आपका किसी भी अधिकार का हनन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत। यह भी एक मौलिक अधिकार है, यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर कोई स्वयं सरकार की ही कर रही है, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं, इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा, जो आपकी आर्टिकल 32 के तहत आपको संवैधानिक उपचार का अधिकार मिला हुआ है। इसे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा, संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय कहा है। ठीक है, मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियां तथा फैसलों से ऊपर है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वालों वाला कोई कानून नहीं बन सकता है, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है विधायिका या फिर कार्यपालिका का, कि किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उनमें कमी हो तो वह फैसला या काम ही अवैध हो जाएगा। हम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को, उनकी नीतियों और फैसलों को या फिर या राष्ट्रीय के बैंक या बिजली बोर्ड जैसे उनके द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। वे भी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकार के मामले में दखल दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश देने का आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वालों को हर्जाना दिलवा सकती हैं, गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती हैं। अध्याय 4 में हमने देखा कि हमारे देश की न्यायपालिका सरकार और संसद से स्वतंत्र। हमने यह भी देखा कि न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकारों के लिए जो कुछ जरूरी है वह करने में सक्षम है। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है, पर अब अगर मामला सामाजिक या फिर सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामले को क्या कहते हैं? जनहित याचिका के माध्यम से। इसमें कोई भी व्यक्ति या सरकार, सरकार के समूह, सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या फिर किसी उच्च न्यायालय में जा सकती है। ऐसे मामले जज के नाम, पोस्ट कार्ड पर भी लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीशों को लगे कि सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वे मामले को विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं। देख लेते हैं, हाँ, कुछ पॉइंट दिए गए थे। आप लोग हमेशा बने रही है, क्योंकि पता है आगे की जो भी बुक्स होंगे इसमें अलग अलग करके इन्हें समझाया गया है। ठीक, ये दिया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो भी आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया, फिर चाहे आपका अंतरराष्ट्रीय
यूएनओ इस तरह से जो भी है आपके, ये सभी इसीलिए बनाए गए क्योंकि कोई देश अब ऐसा है कि अगर कोई राज्य सरकार आपका अधिकारों का हनन करता है तो कम से कम आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार तो है ना? क्या आपने ऊपर बने न्यूज कॉलम्स देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो गया इस तरह से जो भी आपके यूएन संयुक्त राष्ट्र, क्या आपने ऊपर न्यूज बने न्यूज कॉलम का पर ध्यान दिया है? इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जिक्का है। यह संदर्भ मानवाधिकार के प्रति बढ़ती जागरूकता और मानव गरिमा के संघर्ष में के बारे में है। विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के गुजरात दंगों दंगे जैसे कई मामले हैं। इस बारे में देश भर से लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेने और उनके दोषियों को नहीं पकड़े जाने पकड़ पाने के लिए मानवाधिकार संगठन या संचार माध्यम अक्सर सरकारी एजेंसियों को की आलोचना करती हैं। ऐसे में पीड़ितों की तरफ से किसी को दखल देने की आवश्यकता थी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में पहल की। यह 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग था, मानवाधिकार आयोग आपका। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, याद रखना, कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। और इसका मुख्यालय जो है आपका, ये मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में, ठीक है। न्यायपालिका की तरह आयोग भी एक सरकार से स्वतंत्र होते हैं। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आयोग की नियुक्ति यानी कि इसमें जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जज अधिकारी या प्रमुख नागरिकों को भी नियुक्त किया जा सकता है, किंतु इस पद अदालती मामलों में फैसले देने का दायित्व या पूछ नहीं होता है। सो या पीड़ितों को उनके मानवाधिकार दिलाने में मदद करने का इस सारा ध्यान दे सकता है। इसमें संविधान के दत्त अधिकार भी शामिल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई वे संधियां और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल हैं जिन पर भारत ने दस्तखत किए हुए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता, यह जिम्मेदारी अदालत की है। आयोग का मानवाधिकार आयोग के मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना है। यह उन मामलों की भी जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघन में या इन्हें रोकने में सरकारी अधिकारियों पर उपेक्षा बरतने का आरोप है। यह देश में मानवाधिकारों की को बढ़ाने, उनके प्रति चेतना जगाने का काम भी करता है। आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट और अपने सुझाव सरकार को देता है या फिर पीड़ितों की ओर से अदालत में दखल देता है। अपनी जांच करने के सिलसिले में इसके पास व्यापक अधिकार है। किसी भी अदालत की तरह यह चश्मदीद गवाहों को समन भेजकर बुला सकता है, किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है, किसी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है या किसी जेल में जाकर जांच कर सकता है या घटनास्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है। भारत का कोई भी नागरिक मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में इसके पास निम्नलिखित पते पर शिकायत भेज सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, GPO, कॉम्प्लेक्स INA, नई दिल्ली, 11,10,023। आयोग के पास अर्जी भेजने की ना तो कोई फीस होती है, ना ही फॉर्म, ना ही कोई तय तरीका। राष्ट्रीय अधिकार आयोग की तरह कि 26 राज्यों 10 दिसंबर 2018 की स्थिति में राज्य मानव अधिकार आयोग की आयोग में अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस पर देख सकते हैं क्या रहता है कि राज्य भी अपने अपने राज्य मानव अधिकार आयोग गठित किए हुए, जैसे मध्य प्रदेश हो गया है, इसने 1995 में आपका अपना राज्य मानव अधिकार आयोग बनाया था। क्या होता है पता है? मध्य प्रदेश का इसलिए याद है क्योंकि मध्य प्रदेश में ये तीन एक्ट बहुत पूछे जाते थे,
एमपीपीएससी में 2020 तक बहुत पूछे गए, लेकिन 2020 के बाद 20 में आपका सिलेबस चेंज हो गया तो इन्हें हटा दिया गया है। अभी भी पूछे जाएंगे लेकिन उतना नहीं रहेगा, क्योंकि पहले क्या होता था 25 से 25 25 क्वेश्चंस तक कभी कभी पूछ लिए गए इन तीनों एक्टों से, 100 क्वेश्चंस में से। समझ सकते हैं कितनी महत्व है इनका। अब बात कर लेते हैं हम लोग यही अधिकारों का बढ़ता दायरा। हमने इस अध्याय की शुरुआत अधिकारों के महत्व पर चर्चा से की थी, पर इस अध्याय के ज्यादातर हिस्से में हमारा ध्यान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर ही रहा है। आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं, यह सही नहीं है। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत हैं। हमारा संविधान और हमारे कानून हमें और बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता जाता है। समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ा है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसी चीजें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार है, उन्हीं से निकली है। अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुकी है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी बना पास किया है। यह अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकारों के तहत ही है। हम सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को भी नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल किया है और आपका निजता का भी अधिकार शामिल किया है आर्टिकल अनुच्छेद 21 के तहत। तो जब भी जो जिसकी जरूरत होती है जिस अधिकार की, वो शामिल किए जाते रहते हैं, वही नहीं अनुच्छेदों में जोड़ते जाते हैं। ठीक है, 21 में हो गया, 20 में हो गया, 19 में हो गया। अब स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता आपकी 1950 में नहीं लिखा है, उसमें ऐसा कोई डायरेक्ट शब्द नहीं लिखा है, लेकिन आता आपका आर्टिकल 19 के तहत ही। ठीक है, उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल किया गया। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं, संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है। मौलिक अधिकार नहीं है जैसे संपत्ति रखने का मौलिक अधिकार नहीं है, पर संविधानिक अधिकार है। पहले आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर संविधानिक अधिकार माना गया, 300 अनुच्छेद 301 के तहत। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संविधानिक अधिकार है। कई बार मानवाधिकारों का भी विस्तार होता है, ये असल में सर्वमान्य नैतिक दावे हैं जो कानून द्वारा मान्य हो भी सकते हैं और नहीं भी। इन्हें उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता है जैसा कि हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया था। दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव के साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे इन सर्वमान्य नैतिक दावों को माने, उन्हें कानूनी रूप दें। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां और प्रतिज्ञा पत्रों में भी अधिकारों का दायरा बढ़ाने में मदद की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं। ये लोगों के संघर्ष से हासिल हुए, समाज के विकास या नए संविधान के निर्माण के साथ नए अधिकार सामने आते हैं। संविधान बनाने संबंधी अध्याय हमने देखा है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार मिले हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है। निजता का अधिकार, इसके कारण नागरिकों उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती है, उनके फोन ट्रैप नहीं किए जा सकते हैं, उनकी चिट्ठी पत्ती को खोल कर पढ़ा नहीं जा सकता है। पर्यावरण का अधिकार, ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार है जो नागरिकों के स्वास्थ्य और कुशल क्षेम के प्रति कुल ना हो। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार है, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन, पानी तक पहुंच का अधिकार है, किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार, निजता के अधिकार को भी भारत में भी मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, दे सकते हैं अपना विचार। और इस तरह के आंदोलन होते रहते हैं इन्हीं के लिए। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र,
इस अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में अनेक ऐसे अधिकारों को मान्यता दी गई है जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से सीधे नहीं जुड़े। इसमें अभी अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप नहीं लिया, लेकिन दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे एक मानवाधिकार के रूप में देखते हैं। इनमें शामिल हैं आपके काम करने का अधिकार, हर किसी को काम करने अपनी जीविका का उपार्जन करने का अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार में अभी नहीं जुड़ा हुआ है। नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है आपका, यानी कि राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है, काम करने की सुरक्षित स्वास्थ्य माहौल का अधिकार तथा मजदूरों उनके परिवार के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर लायक उचित मजदूरी का अधिकार, समुचित जीवन स्तर जीने के अधिकार में पर्याप्त भोजन कपड़ा मकान का अधिकार शामिल है, सामाजिक सुरक्षा और बीमा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बीमारी के समय इलाज प्रजनन काल में महिलाओं का खास ख्याल, महामारी से रोकथाम, शिक्षा का अधिकार, मौलिक एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा तक समान। यहाँ कुछ आपके शब्द दिए हैं, इनकी भी परिभाषा जान लीजिए। प्रतिज्ञा पत्र नियमों और सिद्धांतों को कायम रखने का व्यक्ति समूह या देश का वायदा, ऐसे बयान या संधि पर दस्तखत करने वाले इसके पालन की कानूनी बाध्यता होती है। दावा सभी नागरिकों समाज या सरकार से किसी नागरिक द्वारा कानूनी या फिर नैतिक अधिकारों की मांग। दलित ऐसी जाति में जन्मा व्यक्ति जिसे दूसरी जातियों के व्यक्ति छूने लायक नहीं मानते। दलितों के लिए अनुसूचित जाति कमजोर वर्ग जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जातीय समूह मानव जाति का ऐसा समूह जिसमें लोग आपस में एक मूल या सम्यक वंश के हों। एक जातीय समूह के लोग सांस्कृतिक आचरणों जातीय विश्वासों और ऐतिहासिक रीतियों के जरिए जुड़े होते हैं। संबंध अदालत द्वारा जारी एक आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा जाता है। अवैध व्यापार अनैतिक कामों के लिए स्त्री पुरुष या फिर बच्चों की खरीद बिक्री। रिट उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए एक औपचारिक लिखित आदेश। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यह संगठन दुनिया भर में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करता है। इसी अध्याय से संबंधित आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें देख लीजिए और पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, इसे अपने पास रख लीजिए। जब भी टाइम मिले एक बार उससे भी पढ़ लीजिए, क्योंकि कक्षा नौवीं से आपकी बुक्स जरूरी है, कक्षा नौवीं से लेकर आगे भी। कक्षा आठवीं तक क्या है कि जो नॉर्मल शब्द हैं उनका बेस बनाने के लिए थी, लेकिन कक्षा नौवीं से लेकर बारहवीं तक की बहुत ही महत्वपूर्ण है वो, तो ध्यान दें और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने बात कर ली है अपने मौलिक अधिकारों के बारे में। इस तरह से हमारे 5 चैप्टर थे इस बुक्स में जो आपकी कक्षा नौवीं की लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट के नाम से जो बुक्स है इसमें आपके 5 अध्याय थे। पहले अध्याय में हम लोगों ने लोकतंत्र क्या है देखा था, दूसरे में बात की थी संविधान निर्माण, तीसरे में चुनावी राजनीति, अध्याय 4 में बात की थी संस्थाओं का कामकाज, अध्याय 5 में लोकतांत्रिक अधिकार देख चुके हैं। तो आपकी ये कक्षा नौवीं की लोकतांत्रिक राजनीति के नाम से फर्स्ट के नाम से जो बुक्स थी वो कवर हो जाती है। अगली क्लास से हम लोग बात करेंगे समकालीन भारत फर्स्ट के बारे में, ठीक है, कक्षा नौवीं की दूसरी बुक्स के बारे में।